हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस मेरे यूट्यूब चैनल में, जिसमें आज हम देखने वाले जो D/2 यूनिवर्सिटी है उसका जो मीट्स है ना, उसका पैटर्न कैसा होता है, उसमें कितने क्वेश्चन आते हैं, कितना टाइम आपको दिया जाता है जो मीट्स सेम होती है उसमें, और वो कहाँ पे होती है मीट्स सेम जो है, आप ही के कॉलेज में होगी या दूसरे कॉलेज में होगी, इसी के बारे में आज हम जानने वाले। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियो में आपके लिए लाता रहता हूँ। चलिए देखते हैं मीट्स सेम पैटर्न कैसा होता है जो D/2 है। देखिए, जो टोटल टाइम होता है मिड सेमेस्टर के लिए तो वो 1 ही घंटा होता है, आपको 60 मिनट से यहाँ पे दिए जाते हैं, और टोटल क्वेश्चन है 3 क्वेश्चन होते हैं, जो जिसमें से आपका जो पहला क्वेश्चन होता है वो MCQ टाइप होता है, और जो बाकी 2 क्वेश्चन होते हैं उसमें जो आपको 3 सब क्वेश्चन आएंगे उसमें से 2-2 आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, और वो डिस्क्रिप्टिव टाइप है, वो लिखने पड़ेंगे, सिर्फ पहला क्वेश्चन जो है वो MCQ टाइप होगा। और जो टोटल मार्क्स होते हैं मिड सेमेस्टर के लिए वो होते हैं 20 मार्क्स, तो 20 मार्क्स का पेपर आपको मिड सेम में होता है। और अगर आपको सैंपल पेपर देखना, देखिए यहाँ पे मैंने ये सैंपल पेपर दिया हुआ है, देखिए 20 मार्क्स का है, थर्ड सेम का पेपर है, और ये यहाँ पे एक घंटे का टाइम आपको यहाँ पे मिल जाता है। देखिए इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो MCQ टाइप है, 6 क्वेश्चन आते हैं, हर एक क्वेश्चन को 1 मार्क है, और जो क्वेश्चन 2 है यहाँ पे आपको 3 में से कोई भी 2 सॉल्व करने हैं, और ये 6 मार्क का है, और क्वेश्चन 3 जो यहाँ पे भी आपको 3 में से कोई भी 2 सॉल्व करने पड़ेंगे, और ये 8 मार्क का होता है। तो इस तरह से कुछ मिड सेमेस्टर का पैटर्न होता है जो D/2 यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी लोनेरी की। ये जो पेपर यहाँ पे दिखाया हुआ है थर्ड सेम का, ऊप्स का है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, C++ का, जो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है उसका। तो कुछ इस तरह से पैटर्न होता है।